મિત્રો, આજે આપણે ફરીથી મળીએ છીએ શ્રીમતી શાંતાબેન હરિભાઈ ગજેરા પ્રાઇમરી શાળા વિદ્યાસભા સ્કૂલ, જેમાં આપણે જોયું આગળના વિડીયોમાં ધોરણ આઠ ના એમાં આપણે બધાએ પાઠ વિશે માહિતી મેળવી હતી. હવે આપણે જે ધોરણ આઠ ની અંદર વ્યાકરણ ટોપિક આવે છે એ વ્યાકરણ ટોપિક વિશે માહિતી મેળવશું, જેમાંનો એક ટોપિક છે વચન પરિવર્તન. વચન પરિવર્તન છે એ તમે ધોરણ છ અને સાત માં પણ શીખી ગયા છો. વચન છે એના બે પ્રકાર છે હિન્દીમાં, એક વચન અને બહુવચન. એક વચન કોને કહેવાય કે જે એક વ્યક્તિ એક જ ગામ કે એક જ વસ્તુ દર્શાવતું હોય તેને એક વચન કહેવાય, અને જે એક થી વધુ હોય કે જેથી એક થી વધારે હોય તેને આપણે બહુવચન કહીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે વ્યાકરણ છે એટલે વચન પરિવર્તન જે શીખીએ છીએ એમાં આપણે એના નિયમ વિશે જાણીશું. આપણે છઠ્ઠા અને સાતમામાં સીધું કરી નાખતા કે ગીતા, તો એનું વચન બહુવચન કરવું હોય તો આપણે એનું ગીતા બે કરી નાખતા, પણ અહીંયા કેવી રીતે થાય છે એના નિયમ આપણે ધોરણ આઠમાં શીખવાના છે. તો એમાંનો પહેલો નિયમ છે, શબ્દોં કો પડતે સે પતા ચલતા હૈ કે આકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દો કા બહુવચન બનાને કે લિયે શબ્દો કે અંતિમ આ કો એક કર દિયા જાતા હૈ. યહાં મેં આપકો ઉદાહરણ દ્વારા સમજાતી હું. समझेगा समझ
दूसरा नियम क्या है कि शब्दों के बढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहले हम क्या सीखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो अब दूसरा नियम है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, यानी कि नियम।
फिर उसके बाद आएगा इका राम। आपको मैं यहाँ एक बात बता दू कि ई जब हम गुजराती में कहते हैं रसवाई दीर्घ, तो यहाँ हिंदी में हम क्या कहते हैं, बड़ी और छोटी। तो इसमें ए वाली छोटी ही है और ए वाली बड़ी, छोटी ही है उसी को केवल हम ई बोलते हैं, और बड़ी ई है जिसके ऊपर हम रेप करते हैं उसे हम लंबाते हैं, ई करके बोलते हैं।
કરતા ગયા હતા. हम पांचवी और छठी कक्षा में गुजराती और हिंदी में सीख गए कि हमें दो शब्द देते हैं और उन शब्दों में से हमें दूसरे शब्द बनाने पड़ते हैं. उसी तरह यहाँ एक दिया है, वो यहाँ हमने शब्द दिया है. उसका स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अंतिम या अंतिम या को या कर देना. यहां या शब्द में जो स्त्री शब्द दिया गया होता है उसमें अंतिम जो या आता है उसको हमें क्या करना है, या करके बहुवचन बनाना है. जैसे कि पूर्णिया, पूर्णिया आपने मालूम है ना, आपको आपको श्रीखंड के साथ खाते हो पूरी. अब बूढ़िया और डीडिया तो यहाँ गुड़िया, तो गुड़िया का हमें बहुवचन करना है. हमें पहले ही पता चला पहले तो हमें बहुवचन लगता है, लेकिन कैसा शब्द इया, या अंतिम शब्द पीछे बोला जाता हो स्त्रीलिंग शब्द इया यानी के पूर्णिया तो पीछे आया इया. तो यहाँ या शब्द आता है स्त्रीलिंग शब्द तो उसके या को हमें क्या करना है, यह या चंद्रबिंदु वाला या करना है. पूरी या उसी तरह से मूडी या उसी तरह से ली ली या हो गया है यहाँ बहुवचन. आप सब ध्यान से पढ़ना, जब आओगे तब मैं आपके टेस्ट लूंगी. अब हमारा अगला नियम है उकारा स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बन जाता है. उकारा जिस तरह से हमने सीखा इकारा यही ओरी तो ये छोटी वाली और एक बड़े वाले ओम उकारा तो उसमें भी क्या आएगा, छोटा वाला ओ और बड़ा वाला उ. यह उ है उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं उ, और ये बड़ा वाला उ है उसे हम लंबा कहते हैं उ. इसी तरह हिंदी में बड़ा और छोटा और गुजराती में रसोई और देख गए. तो हम सीखते हैं उकारा. तो उकारा में हमने क्या कहा है कि उकारा स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है. तो यहाँ मैं आपको पहले उदाहरण सिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा. जैसे कि वास्तु, फिर धेनु और यहाँ तीन उदाहरण हमने दिए. तो यहाँ तीनों के उदाहरण है उसके पीछे हमें क्या करना है, अंत में कौन सा जोड़ना है शब्द में ए. यह शब्द बहुवचन में स्त्रीलिंग शब्द की तब अंत में हमें यह शब्द जोड़ना पड़ता है. तो वस्तु तो उसका क्या होगा, वस्तु ए, फिर धेनु
इसका क्या होगा, हेमूत ए और ऋतु तो ऋतु ए हो गया। अब इसके आगे का नियम है। अब हम हमारा आखिरी नियम ही वो देखेंगे, यानी कि ओकारण। ओकारण यानी कि ओ जो शब्द के पीछे जुड़ा जाता है उसे हम ओकारण कहते हैं। तो ओकारण शब्द है उसके सिने शब्द के अंत में ए शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ ओकारण शब्द हमारा है ये प्रजा, लाना है।